हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मशरूम की सब्ज़ी। आपने मटर मशरूम की सब्ज़ी तो बहुत बनाई होगी, मैंने वीडियो भी डाला है मटर मशरूम पे। नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो आपने मटर मशरूम की सब्ज़ी तो बहुत बनाई होगी, बट एक बार इस तरीके से आलू मशरूम की सब्ज़ी वो भी कुकर में बनाइए। बहुत झटपट बन भी जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आलू को, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एक पैकेट मैंने मशरूम लिया है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो क्योंकि इसे हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर में हम तेल डालेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हमें आलूओं को इस तेल में फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, और ये देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम आलू को तेल से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी तेल में मशरूम को भी फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे भी हमें मशरूम को भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मशरूम का कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे तेल से। मशरूम को कैसे कट करना है, कैसे बॉईल करना है, इसे जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। सेम तेल में हम कटे हुए प्याज को डालेंगे। तो जब कभी भी मशरूम की सब्जी बनाइएगा, प्याज थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को लिया है। जब तक प्याज भून रहा है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, तब तक हम मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है बहुत सारा लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च। तो इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मगर इस तरह से पीस के बनाती हूँ तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब ये देखिए प्याज का कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक को, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और जो हमने मसाला पीसा था तो उस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसमें डालेंगे। इसे स्टर करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर को। तो एक टमाटर को मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया था, तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर को डालेंगे। मैंने एक नहीं, 2 टमाटर को कट किया था, तो 2 टमाटर को मैंने इसमें डाला। अब हम ढक्कन लगाएंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और 3 से 4 विसल लगाएंगे। तो 3 से 4 विसल लगने के बाद से मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब हम ढक्कन हटाएंगे, फिर से फ्लेम को ऑन करेंगे। विसल लगाने से क्या होगा कि प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएगा, और इस तरह से अगर हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन भी जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और फ्राई किए हुए मशरूम को डालेंगे, और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और ये देखिए अब मसाले के ऊपर तेल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी को। तो आपको जितना ग्रेवी रखना हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। अब हम फिर से इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 विसल लगाएंगे। ज़्यादा विसल हमें नहीं लगाना है, बस 1 से 2 विसल लगाना है। तो 1 से 2 विसल लगने के बाद से मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, और कुछ टाइम बाद मैंने ढक्कन हटाया। तो ये देखिए सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आप कुकर में एक बार सब्जी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा आया है। तो इस तरीके से एक बार आप आलू मशरूम की सब्जी जरूर बनाइएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।